हेलो गाइज, इट्स मी एलेक्स ब्लूम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ सेल्फ पोर्ट्रेट। अब भाई इस वर्ड से ही आप समझ जाओ कि खुद की फोटो खुद ही खींचनी है। बट यहाँ पे मोस्टली लोगों का डाउट ये होता है कि भाई या तो वो पर्सन है ना जिसने सेल्फ पोर्ट्रेट ली है वो ज्यादा है ना फोटोजेनिक उसका फेस, या फिर मोस्टली उन लोगों का डाउट रहता है कि यार ये है ना ऐसी वीडियो में दिखाते हैं एंड बाद में है ना अच्छे खासे फोटोग्राफर को बुला के अच्छी खासी फोटो खींचते हैं। सेल्फ पोर्ट्रेट बहुत ही ज्यादा आसान है, छोटे छोटे ट्रिक्स लगते हैं, बट यस आपको थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पहले पहले जब मैंने स्टार्ट किया था आई वाज लाइक यार मतलब तीन फोटो खींच ली अच्छी नहीं आई, चौथी फोटो खींच ली अच्छी नहीं आई, फिफ्थ वाली नहीं आई अच्छी। देन मैंने थोड़ा सा एंगल बदलने की सोचा एंड देन फाइनली थोड़ा वर्कआउट करने लगा, देन मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगा। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड इन द वीडियो। तो फाइनली सेटअप तैयार है। अब यहाँ पे मैंने एक गलती की थी कि मैंने सुबह शूट नहीं किया, इसीलिए कुछ इस तरह की बहुत ज़्यादा डार्क फोटोज़ आने वाली थी एंड काफ़ी यू नो नॉइज़ थी फ़ोटो में। तो मैं पोजेस तो सही दे रही थी बट फोटो बहुत ख़राब आ रही थी, तो इसीलिए मैंने एक ट्रिक अपनाई। मैंने अपनी रिंग लाइट ली और रिंग लाइट मैंने ऊपर की साइड थोड़ी डाइवर्ट कर दी। उससे क्या होता है जब आप फ्रिज खोलते हो फ्रिज में लाइट आने लग गई एंड देन मैंने अपना ट्राइपॉड उसके सीधे ट्रायंगुलर फॉर्म में रखा सो दैट यू नो जो एंगल आए वो बेटर आए मेरे फ़ोटो का। तो यहाँ पे ये रहा मेरा सेटअप। अब सेटअप तैयार है तो चलिए फ़ोटो खींचते हैं। तो पहले पहले मैं सेटिस्फाइड नहीं थी जैसे फोटोज़ निकल रही थी, बट थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता गया। देन थोड़ी अच्छी फोटो निकली, थोड़ी अच्छी फोटो निकली, कुछ मुझे अजीब सी लगी, बट देन मैं अपने कमरे में आई एंड मैंने अभी चेक किया ये फोटोज़ कैसी आई है एंड आई वॉज लाइक रियली अमेज्ड कि एक्चुअली में ये काफ़ी अच्छी कन्वर्ट होके आई है एंड आई वॉज लाइक यार ये वाली अच्छी है, यार ये वाली अच्छी है। जब आप बैक जाते हो ना तब स्क्वायर फॉर्म में सारी फोटोज़ देखते हो तब आपको पता चलता है ओ यार इसमें हल्का सा एंगल सही कर दिया ना तो बहुत परफेक्ट लगी, और वही चीज मैंने की है। तो बाय द वे अगर आपको मेरे फोटो एडिट पसंद आते हैं तो मैं यहाँ पे उसकी लिंक भी दे दूंगी कि भाई कैसे मैंने ये फोटो एडिट की, फ्यूचर में दूंगी क्योंकि अभी फिलहाल तो ये वाली वीडियो पहले अपलोड कर रही हूँ। तो ये था सेल्फ पोर्ट्रेट का पहला आउटफिट। अब सेकेंड आउटफिट की तरफ चलते हैं। सेकेंड आउटफिट के लिए मैंने अपना ब्लेज़र पहना है। अब ये ब्लेज़र मैंने ऑफ शोल्डर कर लिया, थोड़ा बैगी सा हल्का सा लुक आना चाहिए इसीलिए, और साथ साथ में मैंने थोड़ा अपने हेयर है ना मेसी रख दिए हैं। लिपस्टिक जो है मेरी बोल्ड रेड रहेगी एंड एट द सेम टाइम जो ये बल्कीनेस है वो और ज़्यादा यू नो एक टेक्स्चर ऐड कर रही है। उसी के साथ साथ मेरे इयररिंग्स जो होंगे वो है ब्लिंग, अच्छे खासे ब्लिंग ब्लिंग वाले इयररिंग पहन रही हूँ जिसके ऊपर एक लिप्स का डिज़ाइन है एंड यू नो साथ साथ में यहाँ पे और एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे मुझे काफ़ी सस्ते में ये अली एक्सप्रेस से मिले थे तो वाह। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ज़रूर दे दूँगी आपको। सेटअप तैयार करने वाली हूँ और डरिए मत, यहाँ पे मैं सिर्फ अपने यू नो टॉर्च ऑन करके देख रही थी लाइट कितनी आती है और बिना लाइट के मेरा लुक कैसा लगता है। उसके बाद सेटअप के लिए मैंने यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें की है और हंसी मकामत अरे यार ऊपर का पार्टी आने वाला है तो नीचे घर की पैंट पहनो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेटअप के लिए पहले मैंने एक कागज़ लिया है, कागज़ को मैंने रोल किया है, उसके ऊपर थोड़े से रबर बैंड बांध दिए ताकि ये थोड़ा सा है ना राउंड होके ऐसे आए और फ्लैश लाइट पे मारने पे ये दीवार पे कुछ इस तरह से लगता था। एंड आपको टेप का ध्यान रखना है कि टेप अच्छे से चिपकाया जाए क्योंकि हल्का सा भी अगर ख़राब हुआ तो आपकी पूरी फ़ोटो ख़राब हो सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप टॉयलेट पेपर रोल भी यूज़ कर सकते हैं बट मुझे कागज़ ज़्यादा यू नो आसान ईजी और सस्ता ऑप्शन लगा, अब मैं और कुछ नहीं बोल सकती राइट। तो ये आप ट्राई कर सकते हो, चलिए सेटअप देखते हैं। तो लाइट ऑन करने में कुछ ऐसा लगता है एंड आपको पहले ये सेट करना पड़ेगा। तो मैंने ट्राइपॉड लिया है और मेरा मिरर मेरा साथ दे रहा है, तो ट्राइपॉड लिया है जस्ट बिकॉज वो लाइट पे ट्राइपॉड आ रहा था। मैंने पहले पोजेज स्टार्ट किए, सारे फोटोज़ खींचे, कुछ फ़ोटोज़ मेरे अच्छे आए तो ये कुछ एग्जाम्पल है लाइक फ़ोटोशूट चल रहा था तब का। मुझे लगा थोड़ा लाइट में है ना प्रॉब्लम हो गई है इसलिए मैंने क्या किया कि थोड़ा सा ट्राइपॉड बाद में पीछे कर लिया और उससे क्या हुआ लाइट्स थोड़ी अच्छी आने लग गई एंड राउंड लाइट्स के साथ साथ मेरी फ़ोटो भी काफ़ी अच्छी आने लग गई। तो कुछ एग्जांपल है, आपको शूट एंजॉय कीजिए, उसके बाद मैं आपको फ़ोटोज़ दिखाऊँगी कि कैसे आई है। बिग शाउट आउट फॉर पर्मिला कुमारी, स्टे मोटिवेटेड, स्टे हैप्पी एंड लव यू फैम। सो फाइनली फोटो देखते हैं। तो
तो अगर आपको पसंद आए ये वीडियो तो नीचे वो लाइक बटन जरूर दबा देना, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक जरूर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना अगर आपको आइडिया अच्छा लगा ये वाला, और सपोर्ट करना बाय सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल, नीचे उस घंटी को भी दबा देना सो दैट जो भी मेरी नई वीडियो आए उसको नोटिफिकेशन आपको चले जाए।